अभी क्लास चल रही है, कुछ बजा बैठे क्लास नहीं कुछ होती, कुछ बजा क्लास कुछ बजा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ भाई, कौन सा बैच है? हाँ ट्वेल्थ होगा। ठीक अब थोड़ा एडवांस पढ़ाओगे? कल मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ के दिए थे आप लोगों को शायद, है ना? हाँ सर। हाँ सर। वो सारे इंटर कन्वर्जन वाले, किसी ने ग्रुप पे डाला भी नहीं कि चेक कर लो सर, सही किया गलत किया, कोई अंतर ही नहीं पड़ता, है ना? है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अंतर नहीं पड़ता आप लोगों को, किसी ने किया नहीं। वो छह सात कन्वर्जन थे ना आपस में यस सर। भाई, वो छह सात कन्वर्जन जो है ना, वो 15 15 20 20 बार करोगे ना तब जाकर तुमको एग्जाम में कर पाओगे। याद तो नहीं कर सकते हो, ये बात तुमको समझ में आ रही है? हैं? वैसे मैंने बता दिया था उसमें से कौन सा, उसमें अभी कैसे बताओगे आप, बताओ कैसे करोगे? आपने कुछ ने ग्रुप पे भेजा ही नहीं कन्वर्जन। कितने थे? ट्रिपल वाले दो थे और 7 थे टोटल। हाँ 7 थे। तो भाई कोई बार कोई हिम्मत करे ग्रुप पे डालो तो चेक कर सकते हैं। ऐसे कैसे चेक करोगे, है ना? ये सारे हाँ शीट में दिए हुए हैं क्या पहले से ही? हाँ अरे हेलो, शीट में दिया हुआ है क्या? देखा नहीं हो पता। आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, अरे बोलो यार। हेलो, पता चेक नहीं किया। तुमने कर दिया, तुम्हें क्या मालूम तुमने सही किया गलत किया, कोई अंतर नहीं पड़ता किसी को। बोल नहीं रहा है भाई, अजीब लोग हो यार। किसी को तो बोलना पड़ेगा ना हिम्मत करके, किया कि नहीं किया बताओ। या सर, लेकिन अरे कि आज आप डिस्कस करोगे क्लास? वो 7 क्वेश्चन क्यों करूंगा मैं डिस्कस, वो तो चेक करो ना ग्रुप पे भाई। ऐसे तो मतलब जिंदगी भर में यही चैप्टर पढ़ाते रह जाऊंगा ना, फिर तो खत्म थोड़ा होगा चैप्टर। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप ग्रुप पे डालो, वी विल चेक ऑन ग्रुप। वो 7 का यस ग्रुप सर। पे चेक करेंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले वाले काम पे। वो जो 7 आपको मैंने लिख के दिया था, है ना, वो पहले कर ले, वो काम का है ना भाई। स्क्रीन वैसे मैक्सिमम आपको शीट में, वैसे मैक्सिमम आपको शीट में इधर उधर दाएं बाएं कहीं ना कहीं मिल जाएगा, चिंता ना करो। स्क्रीन शेयर नहीं दिख। हाँ सर, हाँ तो अभी दिख दिख रहा है। रहा है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो पहला था हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। कंडीशन क्या है? एक्स और वाई पॉजिटिव और एक्स वाई 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। बाय को 1/x लिखते हाँ तो एक्स और वाई पॉजिटिव है ना, हैं। तो अंडर दिस कंडीशन क्या आ रहा है? टैन इनवर्स 1/x, पॉजिटिव और एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो मैं टैन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूँ? कॉट इनवर्स एक्स। और जो मुझे मालूम है कि क्या होता है, पाई बाई टू होता है। ये बात चमकती है, यस सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर जो कंडीशंस दिए थे वो गिवन में था क्या? हाँ, वो कंडीशन लानी चाहिए, मतलब मैं आपको वही वही तो मेरा क्वेश्चन, हम कंडीशन यूज करके प्रूव करेंगे ना। वो हम तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कंडीशन आ जाए, हाँ है कि सर। नहीं? तब 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 ना मजा आएगा पढ़ने में, वो कंडीशन आ जाए, है कि नहीं? चलो ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिखता हूं मैं। ठीक है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो बे। पर यस हमने मान सर। लिया, ये तो मानना पाप नहीं है ना, ये तो मान सकता हूँ ना मैं हमेशा। यस सर। यस सर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं tan इनवर्स x को a लिया, और देखो मजा तो उसी में आता है ना, कंडीशन खुद से आ जाए, है कि नहीं। तो a और b का रेंज फिक्स हो गया, क्यों फिक्स हो गया प्लीज बोलो यार, प्लीज बोलते रहो यार, मतलब समझो यार, y is equals to tan b, क्लियर है? याद है साइन इनवर्स वाले में आपको मेथड टू किया था मैंने, एक tan a प्लस b क्या होगा, कुछ भी याद आ रहा है साइन इनवर्स वाला मेथड टू? अरे एक दिन मैंने मेथड टू आपको नहीं दिखाया था, अगले दिन क्लास की थी तो वापस दिखाया था ना आपको, नहीं दिखाया था, दिखाया था तो जीरो, वो जीरो कर जाता। याद आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला पाई बाय टू, मैंने कहा था एक्स और साइन इनवर्स एक्स को ले लो, उसमें इसमें श्रावणी है, किसी ने पूछा भी था सर आपने मोल्टोसिटी कहाँ यूज की, मैंने बोला था कि वन वन यूज किया, याद आ रहा है? वो सब चीज में जान बुझ आप समझो ना, वो सब चीज ऐसी रहती है कि आपको क्लास में ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब बताओ ए प्लस बी का रेंज क्या होगा, जीरो से 180, बोलो हाँ या ना? यस सर, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी 90 है तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू वन हो गया ना? यस सर, यस। अरे समझे नहीं समझे भाई, साफ से बताओ पहले, समझे? समझा, क्लियर है? समझा ना क्या कह रहा हूं मैं, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है, पाई बाय टू होगा, कब, जब एक्स वाई का वैल्यू वन होगा और x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, बात चमकती है? यस। अच्छा अगर इसी में x और y नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, इसी केस में जो एक्स वाई पॉजिटिव लिया है, अगर एक्स और वाई नेगेटिव हो गया और x और y 1 है प्रोडक्ट, अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा बताओ, आपको इनवर्स की फॉर्म नहीं है, यहां पे माइनस x और माइनस y डाल, हाँ क्या दिक्कत है इसमें, माइनस x माइनस y डालेंगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा ना? यस यस सर, फील नहीं आई, माइनस एक्स डालोगे बाहर क्या आ जाएगा बोलो, उसका आंसर माइनस पाई बाई टू आ जाएगा ना चमका। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ सर, से पहले यार क्लियर है सर, यस मुझे ना बिल्कुल फील नहीं आ रही कि आपको उस समझ में आया है कि नहीं आया, इनवर्स में आप लोग इसमें अभी कंफ्यूज करके, चैप्टर एंड हो रहा है तो इसमें आप लोग की हालत खराब होगी सर। हाँ बोलो अगर ए अगर 0 से 90 है और बी अगर 0 से 90 है तो ए प्लस बी कहाँ से कहाँ होगा? समझा, तो tan of a plus b लिखेंगे अब हम, tan of a plus b कितना है, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, बोलो। हाँ सर, क्या होगा, समझ गया सर। अब तो आपको फील आनी पड़ेगी ना, कैसे पढ़ेंगे फिर, कब तक करते रहेंगे सर? लेकिन जब a plus b हमने 90 लिया तब उसके बाद xy 1 कैसे आ गया? अरे यार अगर a प्लस बी 90 हो गया तो tan 90 अनडिफाइंड होता है ना? हाँ सर, तो नीचे में जीरो बनना पड़ता है ना उसके? हाँ सर, नहीं समझे अभी भी संभावी, तुम क्या बोल रही हो संभावी, तुम क्या बोल रही हो बोलो
सर एक्स और वाई का साइन अपोजिट हुआ तो क्या हो सकता है? तो पाई बाय टू नहीं होगा, नहीं होगा पाई बाय टू, ऑब्वियस ही बात है ना, नहीं होगा ना पाई बाय टू। अरे एक्स और वाई का अगर साइन अपोजिट हो गया तो पाई बाय टू होने का सवाल ही नहीं है ना, बताओ हो सकता है क्या? अगर एक्स मान लो पॉजिटिव है तो कहाँ पे होगा, जीरो से नब्बे, और वाई नेगेटिव है तो टेन इनवर्स वाई कहाँ होगा बोलो, माइनस नब्बे से जीरो, दोनों को जोड़ोगे कभी नब्बे बन, कभी नब्बे बन सकता है? नहीं सर नहीं। अरे यू हैव टू एंजॉय इनवर्स यार, देन ऑनली अंडरस्टैंड, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या बोलो? यस डर लग रहा है आप लोगों से अब तो, मतलब सच सच बता दो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है सर। नार तुम भाई बोले क्लियर है ये। कैसे करेंगे इस चीज को? ठीक है तो हम चलते हैं भाई अगले इंपॉर्टेंट सेट पे। वो फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ जो है ना, कर दे क्या सारा ही कर दूं क्या, करना है क्या इस बार सारा का सारा? चलो कर लेते हैं। सेकंड वाले पे आते हैं, ज्यादा आसान जो है ना सेकंड और थर्ड में, थर्ड है पहले, तो पहले थर्ड करते हैं ना। आपको बहुत मुझे एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए था, नहीं चार पार्ट बने रहे थे, कैसे स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, हम लोग सारा फॉर्मूला किसके लिए प्रूव करते हैं? पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैं इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किस में करूंगा? tan इनवर्स x माइनस वाई, उस तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा है ना? यस सर। बोलो ठीक है। एक्चुअली आई नीड बोर्ड फॉर दिस, ठीक है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, कहां से कहां है? tan इनवर्स y कहां से? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। जीरो से पाई बाय टू। अब बताओ क्या होगा? हम लोग को इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना, आप मुझे पहले बताओ ए माइनस बी का रेंज क्या होगा? माइनस बी का रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से जीरो। तो a माइनस b का रेंज क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय टू से, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये चमकता है क्या? यस। नाउ tan a माइनस b क्या होगा? tan a अपॉन वन प्लस tan a प्लस tan b अपॉन वन प्लस tan a, वन प्लस tan a tan b, समझ में आता है? ठीक है। मैंने दोनों साइड tan इनवर्स लिया, क्या आया? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस x, वन प्लस x माइनस। ठीक है। ए माइनस बी तो प्रिंसिपल में है। हाँ सर।
tan inverse tan inverse x minus minus 1 plus x minus क्या प्रूव हो गया tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है नो सर नो सर यहाँ तक क्लियर है हाँ क्लियर सर कॉपी करो हाँ जल्दी जल्दी कॉपी करो थोड़ा फास्ट फास्ट कॉपी करो दादा एक बार मैं बनाता पड़ रहा डॉक्टर मुझे ऐसी लगता सही मुझे बोलते हो फोन पे पूछ तो कॉपी कर लिए हाँ सर हो गया हो गया हो गया ठीक है अभी मैं कौन सा करूंगा सेकंड सेकंड वन देखो और बात समझो अगर x और y पॉजिटिव मान लिया है मैंने ठीक है उसके बावजूद तुम मुझे बताओ राइट साइड का लेफ्ट साइड का रेंज कहां से कहां रहेगा एंगल्स का 0 से 180 यस और राइट साइड के एंगल्स का रेंज क्या रहेगा -90 से 90 है कि नहीं हाँ। तो प्रॉब्लम तो है वो तो प्रॉब्लम तो है बोलो हाँ या ना ठीक है चलो फिर tan इनवर्स x इज इक्वल टू a tan इनवर्स y इज इक्वल टू b ना यार वेरी मतलब बोरिंग टाइप स्टेप्स आपको एक बार समझ में देखो इनवर्स में लोगों को दिक्कत क्यों होती है कोई भी ना एक डीप स्टेट तक जाना पसंद नहीं करता है और इनवर्स ऐसा है कि जब तक तुम इसके रॉक बेड पे नहीं जाओगे ना तब तक यू विल नॉट गेट एनी गुड क्वेश्चन सॉल्व ऑफ दिस टॉपिक ठीक है आपको यहीं से फील आ गया होगा कि a प्लस बी का फंस गया है मामला फील आ रहा है क्या a प्लस बी ने अपनी बैंड बजा ली है ठीक है सो व्हाट शैल वी डू अरे बोलो ना यार tan a प्लस बी एटलीस्ट तुम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं यार धीरे से कुछ चुप होते चले जाते हो tan a plus tan b भाई 1 minus tan b minus tan a tan b क्या होगा बोलो
टैन इनवर्स लेंगे दोनों से, टैन इनवर्स लेंगे दोनों, टैन इनवर्स एक्स वाई कर देंगे। अब तो मामला फंस गया ना। यस सर। मामला फंस गया, क्यों फंस गया? जीरो से पाई पाई टू और पाई बाई टू से पाई, दो अलग अलग। अच्छा ही, हम लोग को जरूरत पड़ेगी ना उसकी तो। यस सर। हमारा हमारा एंगल तो बेचारा इधर लाई करने लगा ना। हाँ सर। तो दिक्कत हो गई है कि नहीं? ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? जीरो से पाई बाय टू के लिए डायरेक्ट से पाई। आह, प्रॉब्लम्स तो हैं बेटा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे? दो केस बनाएंगे। राइट, दो केस बनाएंगे। क्या दो केस बनाएंगे? एक में a प्लस b जीरो से पाई बाय टू होगा। a प्लस b अगर जीरो से पाई बाय टू है तो दूसरा पाई बाय तो दुनिया जिंदाबाद है। यस सर। अगर a प्लस पाई बाय टू के बीच में है तो दुनिया जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और अब a प्लस b को लिख देंगे क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इनवर्स सीखने का एक ही तरीका होता है, इसके जो फॉर्मूलेज है ना उसको इनफिनाइट टाइम्स ड्राइव करना, और एक टाइम बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई कुछ भी दे दो मैं कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। जो मेजर दिक्कत है ना, दिक्कत तो ये भी नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत है? मैं क्या हो जाएगा? हम तो इतना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बताओ। बोल सकते हैं। बड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा है मुझे यहाँ पर लिखने उखने में, सब क्या चल रहा है? ऊपर कैसे चल रहा है? जगह है दो इसके लिए, जगह है मांग। तो क्या हो गया? बड़ी बुरी हालत हो गई हमारी तो। tan inverse x प्रॉब्लम ITF में ये भी आती है, दो बार ऑलरेडी मैंने पर्सनली हैंडल किया आपके सामने, बाकी आपने कल 7 क्वेश्चन किया होगा तो आपको बार बार वो प्रॉब्लम आई होगी इंटरवल्स की, और आपने बार बार वो इंटरवल्स तमीज से सॉल्व किया होगा तो आपका काम बना होगा। बट खैर, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। आप तो मुझे बताओ, अब मैं अपनी जिंदगी सही कैसे करूं उसके आगे? मतलब मेरे को तो भाई ए प्लस बी का मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी लेके थोड़ी दौड़ते रहूंगा। टेन ले क्या करना? हाँ, y to take tan, y to take tan, हमें क्या चाहिए? हम लोग को a प्लस बी को बारे में जान इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि पाई बाय टू से पाई में है कि जीरो से पाई बाय टू में है, बोलो। हाँ, है ना? अच्छा, तो अगर मैं tan a प्लस बी निकालू, ध्यान देना सारे श्रोतागण, ध्यान सुनो, अगर मैं tan a प्लस बी निकालू क्या होगा? x प्लस वाई बाई एन वन माइनस एक्स वाई, बोलो सब सूत्रागण, क्लियर है क्या? तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे तो बस यही, मेरे को तो मालूम है कि मेरा a प्लस बी कहाँ पे कहाँ है? और मुझे बाइफर्केशन किस पॉइंट पे चाहिए? पाई बाय टू पे चाहिए। हाँ सर। जीरो से पाई बाय टू में टैन कैसा होता है? अबे पॉजिटिव होता है ना, हम लोग को पॉजिटिव, हम लोग को ये चाहिए ना, है कि नहीं? ये टैन अगर तो, जब टैन ए प्लस बी पॉजिटिव होगा दैट मींस क्या मालूम चल जाएगा कि ए प्लस बी जो है वो कहाँ से कहाँ है?
जीरो से पाई बाई टू है, क्यों क्यों भाई क्यों क्यों? इसकी वजह से हम लोग को पहले से क्या मालूम है कि ए प्लस बी कहाँ पे है? जीरो से पाई में है। अब जीरो से पाई में अगर टेन लिया और वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ए प्लस बी जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू है, तो मेरा मेरी समस्या खत्म हो रही है जिंदगी की, राइट? तो इसको पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव कब होगा? एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, यस सर। वाई पॉजिटिव है, यस सर। इसका मतलब नीचे का टर्म भी पॉजिटिव करो, तो वो पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स वाई, जब एक्स वाई लेस देन वन, छोटा होगा। अरे समझे क्या? तो ये कंडीशन किसके बराबर हो गई? इसके बराबर, चमका क्या? और बेटा ये कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी फिर? एक्स वाई ग्रेटर देन वन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब चलो आपको जादू, आपको जादू दिखाते हैं। हमको नहीं याद आया, हम एग्जाम में डर गए और हमारे मतलब एकदम नहीं याद आ रहा, ठीक है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, अगर x और y पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी? जीरो से पाई बाई, जीरो से पाई में रहेगी। हाँ, जो लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में लिखा हुआ है tan इनवर्स x + y / 1 - xy, तो अगर xy 1 से बड़ा है, इसका मतलब tan इनवर्स के अंदर में कैसी चीज है? अगर xy 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स के अंदर में कैसी चीज है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो कहाँ पहुंच गया? माइनस पाई बाय टू से जीरो में। लेकिन भैया लेफ्ट साइड तो जीरो से 180 में है ना, तो कैसे लाओगे उसको प्लस 180 करके? देखो ना वही आया है ना। अरे ये बात समझ में आती है? एनीवेज नॉट, मतलब मैं वैसे भी आई डोंट फेवर रटिंग दिस ऑल नॉनसेंस, ठीक है। आपको पूरा लॉजिक समझ में आया है क्या? मेरी पूरी फाइट किस पे आ रही है बार बार? जो भी ये सॉल्व कर रहा हूँ, ए प्लस बी जीरो से पाई बाई टू, मेरे को टेन ए प्लस बी लेना पड़ा। ये बात चमका क्यों लेना पड़ा मुझे? क्योंकि जीरो से 180 में मुझे क्या मालूम था? ए प्लस बी जाएगा। हाँ, और मैंने क्या कर दिया फिर? मैंने क्या कर दिया बोलो? दो केस मैं टेन ले लिया, और टेन लेते ही क्या हो गया बताओ? ये पता चल गया x plus y by 1 minus x y। अब 0 से 180 है, मुझे मालूम है कि 0 से 180 में, 0 से 90 में tan क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर tan a plus b पॉजिटिव हो गया तो मेरा काम बन गया। अब मैंने पॉजिटिविटी की कंडीशन लगा दी। ये बात चमक रही है क्या? यस सर। मैं शक लग रहा है, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली वी हैव लैंडेड ऑन गुड प्रॉपर्टीज विच इज लाइक दिस। तो क्या लिखेंगे सब लोग बताओ? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई वन से बड़ा। यस सर। एक्स वाई वन छोटा, क्या होगा बे? और बालक को एक्स वाई इज इक्वल टू वन पे तुमको मालूम है ना पहले से क्या है? पाई बाई टू। वी डिड दिस ना फर्स्ट वाला। इतना क्लियर है क्या? हां सर। कॉपी करो स्क्रीन। हाँ यार, ये स्क्रीन बहुत लंबी हो गई। चलो बताते चलो, जल्दी जल्दी कॉपी करते चलो, बताते चलो। नीचे करें नहीं सर।
वो लंबा स्क्रीन है भाई, ठीक है। लेट्स सी तुम्हारी हिम्मत, मेरे बोलने की बात तुम्हें खुद वो काम नहीं करता, तुम कैसे कर लोगे? सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ तो नीचे करते हैं, तुमको ही बोलना है, बोलते रहो। कोई ऐसा व्हाइट बोर्ड नहीं आता कि जिसमें कंटिन्यूअस पेज होते हो, बड़ी समस्या है यार सॉफ्टवेयर। आपने बहुत नीचे कर दिया, थोड़ा ऊपर के। अरे बाप। हाँ सर बस 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 बस। बोलो हो गया? हाँ हाँ सर। कॉपी कॉपी करो। अरे भाई साहब हुआ क्या? एक मिनट हो गया। हो गया सर। अरे हो गया मतलब यार। हाँ सर हो गया। ठीक है हो गया यहाँ तक। तो देखो ऐसा है ना, चीज को ना मैं ठीक है उसको मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, ग्रुप पे कर लेंगे ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, अच्छा मैं पहले से श्योर हूं कि इसमें केसेस नहीं बनेंगे इन दोनों में, बताओ तो क्यों? एनी आइडिया? यार एक जो बच्चा बोलता है उसको भी नेट वाले बोलने नहीं देते हैं, बोलो। हाँ भाई बताओ। सर लेफ्ट वाला तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में हो और राइट वाला जीरो से पाई।
गुड 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 गुड। तो ऐसा है, तो साइन इनवर्स एक्स को अपन ने ए माना, ठीक है। तो क्या मालूम चला हमको इससे, तुमको मालूम है ये थोड़ा बोलते हो तो मतलब, नहीं तो फिर मेरे को चमकता है नहीं, मैं क्या कुछ भी लिख लेता हूँ वो मालूम है, फिर भी नहीं बोलते। ए कहाँ से कहाँ है? अब a प्लस b a माइनस b माइनस पाई बाय टू से पाई बाय, माइनस b का रेंज क्या है? माइनस पाई बाय टू से जीरो, माइनस पाई बाय टू से एक का जीरो से पाई बाय टू। चमका क्या? यस हां सर, यस सर। ए माइनस बी का साइन लिखे, थोड़ा फास्ट फास्ट लिख दूं क्या? साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला आता है, भूल चुके हो? माइनस कॉस ए साइन, तो बड़ी समस्या हो गई ना, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, लिखना पड़ेगा फिर। तो यहां से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू साइन ए, यस सर, कॉस ए कितना आएगा? रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस, प्लस वाला की माइनस वाला, प्लस प्लस, क्यों भैया? फर्स्ट और फोर्थ कॉस बाय बाय टू, वाई इज इक्वल टू साइन बी, कॉस बी क्या आएगा भैया? रूट वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस प्लस। तो भाई साहब साइन ए माइनस बी कितना आएगा? एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू, बोलो भाई, दोनों साइड इनवर्स ले लिया, तो कोई तकलीफ पैदा हुई क्या जिंदगी में? नो सर, नहीं सर। तकलीफ कब पैदा होती है? यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं इसके बाद, हमें फॉर्मूले याद वाद नहीं करने, बात ध्यान रखना। a माइनस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्या आ गया? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x into 1 minus y square minus y into, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? Yes sir, ठीक है। Yes sir, cos inverse x को a मानेंगे, a मान लेते हैं, a कहाँ से कहाँ है? 0 से pi by 0 से pi by 2, pi by 2, और cos inverse y को b मानेंगे, cos inverse y b, b 0 से pi by 2, b कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई बाई टू, तो a प्लस बी कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। यस, तो समस्याएं तो अभी भी हैं। cos a प्लस बी क्या होगा? cos a, cos a, cos b, तो ये जो माने हो, एक्स कितना आ गया? कॉस है, यस सर। साइन ए कितना आ गया? रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई कितना आ गया? कॉस बी, साइन बी हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ये सब पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब cos a प्लस बी कितना हो गया? एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस cos इनवर्स cos a प्लस बी कितना होगा?
cos inverse. Cos inverse. X y minus root 1 minus x square into root 1 minus y. प्रिंसिपल में है ना? यस सर, ए भी आ जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा जो क्या है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वह चमकी. यस सर, क्लियर है क्या ये? यस कॉपी करो. कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, कर रहे हैं. नहीं सर. अभी हो गया क्या? नहीं सर. हो गया. अरे हो गया? हो गया सर. अब कौन सा बचा? cos inverse x minus cos inverse y. मैं sin inverse वाला कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है उसका. आप cos inverse खुद से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर we don't deserve to know the proof. ये करना है ठीक है. कैसे होगा? एक्स इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे सर. एक्स वाई को ए जीरो से पाई कर रहे हैं ना सॉल्व. साइन इनवर्स एक्स को ए ए जीरो से पाई, साइन इनवर्स वाई को बी मतलब एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए वाई इज इक्वल्स टू साइन बी है भाई. ए कहां से कहां? जीरो से पाई बाय बी कहां से कहां? जीरो ए प्लस बी कहां से कहां? जीरो से पाई. बस हो गया. अब ये तो मालूम ही है
कि हम लोग को क्या करना है, साइन ए प्लस बी निकालना है ना। साइन ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस, अरे बोलो भाई साहब, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए ना फिर तो। हाँ सर, क्या होगा बोलो, माइनस एक्स वाला कॉस बी क्या होगा बोलो, रूट ऑफ वन माइनस प्लस वाला, चमकता है नहीं चमकता है, यस सर, पक्का ना, हाँ सर, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, हाँ भाई बोलो, साइन इनवर्स बोलो एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बची समस्या किसकी, तोड़ना पड़ेगा जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू। कैसे करें, जीरो से पाई बाय टू में यही होगा, से पाई बाय टू, बहुत अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, भाई अब देखो जिनको समझ में आ रहा होगा अभी, तो उनको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। यस सर, मैं भाई ना बीमारी है ना वो स्टेप लिखने की, मतलब मुझे लगता है कि स्टेप लिख दो तो समझ जाएगा बच्चा, बट अंतर नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, बट क्या कर सकते हैं, आदत आदत है। जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू। अब ऑब्वियसली ये सब रहता है, ठीक है, वो सब में लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और ए प्लस बी पाई बाय टू से पाई, तो केस बन गया ना सब, ढेर सारा, दो ही केस, ये वाला हमारा ये वाला केस है ना, और दूसरा वाला ये वाला केस, राइट है ना। यस, तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस से माइनस बी प्लस, हाँ देखो समस्या ये नहीं है कि हमने क्या लिखा है बेटा, समस्या ये है ये हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई कोई, अगर a प्लस बी मेरा जीरो से पाई बाई टू में है तो मुझे कोई रोना नहीं है भाई, क्या आएगा आंसर मेरा सीधा, साइन एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ए प्लस बी तुम्हारा अगर पाई बाई टू से पाई रहेगा तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अबे ओएन भाई समझ में आ भी रहा है कि मैं बस अपने को संतुष्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं खुद को संतुष्ट कर रहा हूँ। अब आती है समस्या, क्या समस्या, लड़ाई क्या रही है, गेम लड़ाई क्या है, एक्स और वाई के टर्म में कंडीशन दे रहा है, तो जीरो से 180 लाई कर रहा है प्लस बी, राइट, यस सर, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन ए प्लस बी निकाल दे तो काम करेगा क्या, नहीं ना, क्यों, जीरो से पाई में साइन ए प्लस बी क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, तो या तो टेन करेगा या तो कॉस करेगा, इस सिस्टम में टेन निकालना क्या लॉजिकल है क्या, जब सब कुछ साइन कॉस प्रेजेंट है तो, बोलो हम लोग क्या करेंगे, कॉस, आपको समझना पड़ेगा कॉस ए प्लस बी क्यों निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है क्यों निकाला जा रहा है कॉस ए प्लस बी, यस क्यों निकाला जा रहा है बताओ, साइन से फायदा नहीं होगा,
दोनों में सेम है cos में नेगेटिव cos a + b क्या होगा बोलो x y minus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square अगर ये पॉजिटिव है दैट इंप्लाइज a प्लस बी कहां से कहां है बच्चों जीरो से पाई बाय टू चमका क्यों 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 कैसे आया ये क्योंकि ऊपर में कहीं लिख रखा है ना हमने क्या लिख रखा है कि a प्लस बी कहां से कहां लाई करता है जीरो से पाई तो चलो भैया अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग अलाउड है बताओ क्यों अलाउड है स्क्वायरिंग xy पहले से पॉजिटिव है और रूट से पॉजिटिव होते हैं वो समझ में आ रहा है हम जो पढ़ते हैं इलेवेंथ में इतना दिक्कत आती है वो सब स्मूथ हो जाती है चीजें हम इलेवेंथ में भरोसा कर लें टीचर पे तो कि चिंता मत करो सब सही हो जाता है यहाँ तक क्लियर है क्या आएगा बोलो x स्क्वायर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x अच्छा कट गया यस सर तो क्या आ गया कंडीशन x स्क्वायर प्लस बेटर देन इक्वल टू वन इसके लिए ये कंडीशन जीरो से पाई बाय टू ए प्लस बी गलत किया क्या मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं वो सर्कल के अंदर आना चाहिए ना पॉइंट सर्कल के बाहर कैसे लगा अपन कुछ गलती हुई क्या मेरे से एक्स वाई एक्स प्लस ए साई कॉस ए प्लस बी लिया स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्कल से बाहर क्यों जा रहा है पॉइंट शीट में क्या दिया हुआ है सर पहले कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन बी हाँ तो वही तो किया मैंने रूट वाला अरे 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 हम लोग कॉस इनवर्स वाला फॉर्म में लगा रहे हैं ना नहीं हम लोग क्या लगा रहे हैं नहीं सही तो है साइन इनवर्स एक्स को ये लिया है ना मैंने हाँ एक्स साइन है और अच्छा ओके ये तो पूरा गलती हो गया क्या पूरा है ना नहीं सही लिखा है मैंने गलत लिखा क्या लिखा बोलो बस साइन को मैंने फॉर्मूला गलत है ना क्या होता है बोलो हाँ भाई कॉस ए कॉस बी क्या होता है बोलो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट वन माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो तो स्क्वायरिंग कर देंगे उधर ले जाके तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर बताओ greater than equal to x square by x square तो open करेंगे 1 minus x square और वही तो सर्कल के अंदर आना चाहिए था ना सर्कल के बाहर आ रहा था ठीक है तो क्या आ गया x square plus y square less than ये चमक रहा है क्या तो इसका मतलब ये कंडीशन किसके equivalent है x square plus y square less than equal to 1 तो ऑब्वियसली ये कंडीशन किसके इक्विवेलेंट होगी ठीक है अब देखो ये मैंने काफी अच्छे से प्रूफ किया बहुत तमीज से प्रूफ किया है ठीक है अब आपका है काम ये कि आप कॉस वाला जो बचा हुआ है वो खुद से तमीज से कर लो नहीं होता है कोई बात नहीं छोड़ दो अगर हो जाता है किसी का अच्छे से तो ग्रुप पे करके डाल दो बाकी लोग देख लो मैं कॉस वाला नहीं करूंगा मैं नॉर्मली ये भी नहीं करता हूं बट लास्ट इस साल कर दिया बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है तो इतना क्लियर है क्या Yes. Yes. कॉपी करो सर लास्ट में आप लिखते वक्त आप कुछ बोल रहे थे ना सर्कल के अंदर का मतलब वो सर्कल के अंदर है ना वो पॉइंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये सारे पॉइंट्स हैं x कमा y वो सब एक स्क्वायर के अंदर है ना जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं वहां पे मेरा प्रिंसिपल डोमेन सेटिस्फाई हो रहा है ना अच्छा दिक्कत तो होगी ना ऑब्वियसली देखो ना ए प्लस बी लिखा है ना मैंने एक को cos इनवर्स x cos इनवर्स y लिखा है तो 90 ये छोटा है अगर x प्लस y तो थोड़ा सोचोगे समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं तो ठीक है कॉपी कर ली क्या अरे क्या करूं
ऊपर का देखिए, सर आप बता सकते हो कॉस से क्यों देखा कंडीशन? साइन से देख ले, साइन से देख के फायदा होगा क्या? जीरो से 180 में साइन तो पूरा ही पॉजिटिव है ना, फायदा है क्या? नहीं सर, तुम चाहो तो टेन से देख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सर नीचे का दिखाइए ना। हो गया सर, एक मिनट। हो गया अरे हो गया? हाँ सर हो गया।
ठीक है। यस सर। हो गया? हाँ सर। अब कल के लिए जो आपके लिए एक अच्छा सा होमवर्क तैयार हुआ है वो ये है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया आपके लिए। क्या प्रूफ किया मैंने? tan इनवर्स x माइनस y बाई x पॉजिटिव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अब देखो मुझे याद नहीं है, सुनो मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूं हमेशा tan इनवर्स x प्लस y बाई वन माइनस एक्स वाई। देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव और फिर डोमेन चेक कर लेता हूं तो यहां पर क्या आ गया मेरा कंडीशन एक्स वाई लेस देन वन, और जब एक्स वाई वन है तो मुझे मालूम है क्या होगा पाई बाई टू है ना, और ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव है सब, ये सब तो है ही है ना, और क्या होता है एक्स वाई जब वन से बड़ा है तो अब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि एक्स वाई वन से बड़ा है तो जो अंदर की चीज हो तो नेगेटिव हो गई, तो आंसर कहाँ पे आ रहा है? पीछे में आ रहा है, हमें आगे करना है तो हम पाई ऐड कर दिए। बात चमकती है? यस सर। अब आपका काम क्या है, हमने इसको प्रूफ किया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव में, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को चारों में करोगे, चमकता है? आपने कौन से केस में सॉल्व किया है आज? प्लस प्लस में तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब आप पूछोगे सर प्लस माइनस में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वाई को क्या डाल देंगे? माइनस टी। वाई को क्या डाल देंगे? माइनस टी। तो क्या बन जाएगा? अरे मान लो कि हम लोग को, आपको मैंने कहा बच्चों कि ये चार केस सॉल्व करना है, अगर मान लो प्लस माइनस का केस है तो क्या करोगे? अगर वाई को माइनस टी डाल देंगे, अगर वाई को माइनस टी डाल देंगे जहां पर टी क्या है नेगेटिव है, जहां पर टी क्या है नेगेटिव, टी नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव हो गया ना। हाँ हाँ डायरेक्ट तो ये माइनस। रुको भाई, कंफ्यूजन मत करो ना फालतू, रुको ना, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो बट मैं चाहता नहीं इसमें आना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स माइनस माइनस tan इनवर्स वाई बन जाएगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? नीचे वाला। ये बात चमकती है? यस सर। करके करके देखना क्या आता है, फिर कल अपन बात करेंगे, ठीक है। चारों सेट में ये आपको आठ क्वेश्चन है, कल के दो तो हो चुका है और बाकी तीन तीन और करने हैं आपको। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अच्छे से करो, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था, ठीक है। Yes, एनसीईआरटी के चैप्टर टू में फिफ्थ वाले फॉर्मूले से आप हिंट ले सकते हो कि कैसे टर्म्स में आएंगे, ठीक है। यानी आप सॉल्व तो करो पहले, फिर कल देखेंगे तुम, कल अपन कल और क्वेश्चन करेंगे तब। क्वेश्चन आपको क्लियर क्या करना है? अच्छा भाई, बाय बाय। बाय। कॉपी कर लिए? यस सर।